तो जो भी तुम चाहते हो उसको यहाँ से फील करना, इमोशनली फील करना, इसको बंद कर देना, आप इसको बंद कर देना, लॉजिक को बंद कर देना, एंड लेट योर हार्ट फील, लेट योर हार्ट वर्क। मैंने फिर बताया इसकी जो बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो ये प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जो ये प्रोड्यूस करता है, वो इससे कई हजार गुना ज़्यादा पावरफुल है। इसीलिए मैंने कहा कि एक है लॉजिक और एक है इनर विजडम। शिव योगी को इनर विजडम से चलना चाहिए और लॉजिक से नहीं। लॉजिक झूठ करता है और फिर उसको प्रूफ करता है कि वो सही कर रहा है, और जो इनर विजडम है वो अंदर से आवाज़ आती कि ये सच्चा है तो वो कहता है ये सच्चा है, अंदर से आवाज़ आती है ये गलत है वो कहता है ये गलत है। इसलिए शिव योग के साधक को, इफ दे वांट टू रिमेन वेरी क्लोज टू द सोल, क्यों हम ड्रिफ्ट होते जा रहे हैं अपनी आत्मा से, क्यों हम ड्रिफ्ट होते जा रहे हैं, आत्मा से ड्रिफ्ट होंगे तो आत्मबल कमजोर क्षीण होता जाएगा। Because we are drifting away from the soul. More we become logic, jitna hum logic honge utna hum atma se dur hote ja rahe. And this is the era which is coming where we are drifting away from the soul. Jabki complications hai nahi, aur har cheez ko hum डिसॉल्व कर सकते हैं, हमारे भीतर वो शक्तियां हैं, अनंत की शक्तियां हमारे भीतर हैं। जितनी साइंस ने इन्वेंशन किए हैं वो ऑलरेडी भीतर एग्जिस्ट करते हैं, और जितनी साइंस आगे इन्वेंशन करने वाली है वो तुम्हारे भीतर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, और आगे जो भी इन्वेंशन और साइंस करेगी वो भी तुम्हारे भीतर एग्जिस्ट करते हैं। अगर तुम भीतर को जागृत कर लेते हो तो तुम स्वयं ही शिव योग हो जाते हो, एंड शिव योग इज द साइंस बियॉन्ड साइंस, बियॉन्ड साइंस, बियॉन्ड साइंस, एंड बियॉन्ड 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 साइंस, मर्जिंग विद इनफाइनाइट, एंड इनफाइनाइट इज व्हाट एवर इन्वेंशन यू कैन थिंक दैट एक्सिस्ट, वो तुम्हारे भीतर है, वो शक्तियां तुम्हारे भीतर है, तो उसको तुमने जगाना है। और ये स्पिरिचुअलिटी का जो सबसे ऊंचा रास्ता है वो है अनकंडीशनल लव का रास्ता, वो प्योरिटी का रास्ता, वो लैंग्वेज ऑफ हार्ट का रास्ता जो है, Feel your mind, let it work from here and not from here. ये जरूर करो।